हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त हरविंदर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हरविंदर गेमिंग। तो आज के की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि RC24 का जो न्यू अपडेट लॉन्च हुआ था उसके अंदर वर्ल्ड टेस्ट चैलेंज कुछ ऐसे बोल के लिखा हुआ था उसका क्या है, उसका आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। उसका हम जो है वो रिव्यू करेंगे, वो वर्ल्ड टेस्ट चैलेंज क्या था क्या नहीं था वो सारा डिटेल के साथ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। काफ़ी सारे मुझे वो उस वीडियो के फुल रिव्यू के वीडियो के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स वगैरह किया आप लोगों ने कि वर्ल्ड टेस्ट चैलेंज क्या है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर अलग अलग रिप्लाई करने के बजाय मैं एक वीडियो डिटेल के ऊपर बना देता हूं। तो इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूं, तो बहुत ही ज्यादा जो इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो बनता को नहीं रहेगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लास्ट अपडेट आया था वहां पर प्ले स्टोर के ऊपर लिखा था वर्ल्ड टेस्ट चैलेंज, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इसके अंदर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, यानी कि आप इंटरनेशनल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी वर्ल्ड टेस्ट, ये जो है टेस्ट चैंपियनशिप, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसका जो शेड्यूल है वो है वो जो कि है इसको यहाँ पर जो है वो अपडेट किया गया था, यानी कि इसका जो शेड्यूल वगैरह है फिक्चर्स वगैरह उसको अपडेट किया गया था, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसका शेड्यूल जो है वो अपडेट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर सारा डिटेल के साथ उन्होंने यहाँ पर जो है इसको यहाँ पे जो है वो कर दिया। यहाँ पर आप आगे की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर 500 टिकट देने के बाद तो यहाँ पर इसका जो शेड्यूल है उसको अपडेट किया गया। इसका शेड्यूल वगैरह अपडेट नहीं था, 2000 जो लास्ट वाला जो टेस्ट चैंपियनशिप था वही शेड्यूल देखने को मिलता था। जो हमारा ये न्यू सर्कल चल रहा है टेस्ट चैंपियनशिप का, ये वाला शेड्यूल आपको देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर फिक्चर्स के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया के इस समय जो मैचेस वगैरह वो सारे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर। चलिए मैं टीम वाइज आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इंडिया का शेड्यूल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से टीम इंडिया का जो शेड्यूल वगैरह वो किस तरीके से। यहाँ पर न्यूजीलैंड मेरे से गलती से सिलेक्ट हो गया, मैं इंडिया सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहले वेस्ट इंडीज़ के साथ था, फिर साउथ अफ्रीका और अभी इंग्लैंड के साथ जो है वो सीरीज चल रही है, फिर बांग्लादेश के साथ है, फिर न्यूजीलैंड के साथ होगा, फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाला है। तो ये जो है वो हमारा शेड्यूल है वर्ल्ड चैंपियनशिप का, जो ये जो सर्कल चल रहा है 2023 से लेकर 2025 में इसका जो फाइनल होगा। तो ये सारा शेड्यूल वगैरह जो है वो अपडेट हो चुका आपके सामने, ये यहाँ पर जो है वो शेड्यूल वगैरह अपडेट हो चुका है। इस तरीके से शेड्यूल वगैरह देखने को मिला तो काफ़ी ही अच्छा है। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा गेम प्ले भी दिखा देते हैं यहाँ पर किस तरीके से है। चलिए मैच की यहाँ पर जो फीस है वो 3500 कोइन है, मैं यहाँ पर दे देता हूँ। हमारा जो मैच है वो वेस्ट इंडीज़ के साथ होने वाला है। तो चलिए यहाँ से जो स्टेडियम वगैरह मैं सिलेक्ट कर लेता, तो स्टेडियम मैं यहाँ पर आज लेने वाला हूँ। चलिए स्टेडियम यहाँ पर ले लेता हूँ कोलकाता का एक बार फिर से। पिछले गेम के अंदर भी मैंने कोलकाता सिलेक्ट किया था, यहाँ पर भी मैं कोलकाता सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। कोलकाता मैंने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टेस्ट मैच के स्कोर वगैरह है वो भी अपडेट हो चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सरफराज खान ऐड हो चुके हैं, रजत पाटीदार को ऐड कर दिया गया, साथ के साथ तो यहाँ पर जुरैल को भी ऐड कर दिया, यानी कि जो यहाँ पर न्यू प्लेयर थे वो सारे यहाँ पर लोग आप लोग देख सकते हैं कि जो भी प्लेयर मिसिंग थे अभी तक स्कोर के अंदर वो सारे ऐड हो चुके हैं। इस साइड में आप लोग देख सकते हैं तो स्क्वाड अपडेट हो चुके हैं, तो काफ़ी ही अच्छी बात है। यहाँ पर कि स्क्वाड अपडेट होना बाकी था टेस्ट मैच का, वो भी अपडेट हो चुका है। साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्क्वाड अपडेट के साथ साथ बाकी जो भी है शेड्यूल वगैरह वो सारा इन्होंने अपडेट कर दिया है। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, आपको गेम प्ले की तरफ लेकर चलते हैं। मैच के अंदर मैं आ चुका हूँ, सारा यहाँ पर मैंने कर लिया, जो भी चेंज वगैरह करना था रोहित शर्मा के साथ मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सुमन गिल को। तो चलिए यहाँ से मैं सारा सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपके सामने स्क्वाड वगैरह अपडेट हो चुके हैं। चलिए टेस्ट मैच के आपको एक छोटा सा गेम प्ले करके दिखा देते हैं। यहाँ पर आ चुके हैं, हमारी पहले आई है बैटिंग, तो चलिए हमको बैटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जर्सीज वगैरह किस तरीके से नज़र आ रही है, यहाँ पर जो है वो प्लेयर की एंट्री हो रही है। एक छोटा सा गेम प्ले आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ टेस्ट मैच का, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये गेम प्ले होने वाला है। तो काफ़ी ही अच्छा अपडेट इन लोगों ने दिया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को भी अपडेट कर दिया, साथ के साथ जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसको भी अपडेट कर दिया है। इसके अलावा बहुत सारे व्यूवर्स मुझसे ये पूछते हैं कि IPL ऑक्शन को अपडेट किया है या फिर नहीं किया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी IPL ऑक्शन को अपडेट जो है वो नहीं किया गया है। आने वाले दिनों के अंदर IPL ऑक्शन को भी अपडेट किया जाएगा, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, IPL के टाइम पर वो अपडेट आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर डिटेल के ऊपर मेरा वीडियो आएगा, जो कि यहाँ पर एक दो दिन के अंदर मैं बनाता हूँ वो वीडियो, तो कुछ दिन के अंदर वो वीडियो आएगा, वहाँ पर आपको सारा पता लग जाएगा कि अपडेट कब तक आने वाला है IPL के ऑप्शन में और साथ के साथ IPL 2024 कब तक ऐड होगा। तो IPL ऑप्शन को अभी फिलहाल के लिए अपडेट जब नहीं किया गया, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर वो भी अपडेट हो जाएगा, तो काफ़ी ही जल्दी अपडेट होने वाला है। अभी फिलहाल के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को अपडेट किया गया जो और स्क्वाड अपडेट किया गया है। इसके अलावा शेड्यूल वगैरह कुछ टूर्नामेंट्स के लाइक बिग बैश लीग हो गया, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, ये और इसके अलावा अंडर 19 वर्ल्ड कप, तो कुछ यहाँ पर शेड्यूल वगैरह अपडेट हुए हैं। तो काफ़ी ही अच्छा अपडेट इन लोगों ने दिया, तो शेड्यूल वगैरह स्क्वाड वगैरह सारी अपडेट हो चुकी है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बोल लगे डिसलाइक मार देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।